So with continuation with the oxides of 15 group elements, and in your syllabus we have oxides of nitrogen and oxides of phosphorus. We have already completed the oxides of nitrogen, so now we will start with the oxides of phosphorus. So there are three important oxides of phosphorus: phosphorus trioxide, tetroxide and pentoxide. ठीक है, trioxide बोलती हूँ तो trioxide होगा P2O3, लेकिन मैं हमेशा इसका क्या बोलूँगी, डाइमर की फॉर्म में लिखूंगी मैं इसको. तो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड विल बी डाइमर, क्या बन जाएगा इसका, P4O6. तो इट इज़ P4O6 इज द फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड. टेट्राऑक्साइड विल बी P4O8 एंड पेंटोक्साइड विल बी P4O10. दीज आर द थ्री ऑक्साइड. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑक्साइड, दैट इज P4O6. P4O6 में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. अब आप खुद निकालना कैसे निकलेगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हमने नाइट्रोजन निकाले थे. तो इट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फरस ट्राईऑक्साइड, इट इज़ डाइमर ऑफ P2O3. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एनहाइड्राइड्स, अगर मैं H3PO3 लेती हूँ, H3PO3 इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस एसिड. फॉस्फोरस एसिड से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, P4O6. तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसको, इट इज़ एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड. ठीक है, प्रिपेयर कैसे करेंगे, वाइट फॉस्फोरस ले लेंगे और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लगाएंगे उसमें हीट करेंगे इसको, ज़्यादा एयर नहीं देंगे, तो मेरे पास बन जाएगा P4O6 बन जाएगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ P4O6 को अगर मैं हीट करूँ तो ये पेंटोक्साइड में बन जाएगा P4O10 में. अगर इसको कोल्ड वाटर डालती हूँ मैं इसमें, तो इसमें बन जाता है H3PO3, मतलब फॉस्फोरस एसिड. लेकिन अगर मैं इसमें हॉट वाटर डालती हूँ तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3PO4, मतलब फॉस्फोरिक एसिड. कोल्ड वाटर में फॉस्फोरस एसिड, हॉट वाटर में फॉस्फोरिक एसिड एंड PH3 इज कॉल्ड एज फॉस्चीन गैस. ठीक है, तो दिस इज द ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, फर्स्ट ऑक्साइड P4O6. सेकेंड ऑक्साइड इज P4O8. P4O8 is called as phosphorus tetraoxide. It is a colorless solid. And किसका डाइमर है ये, P2O4. P2O4 का डाइमर है P4O8. ठीक है, बनाएंगे कम कैसे हम इसको, हम लेते हैं P4O6. P4O6 को हम 44 डिग्री सेल्सियस, P4O6 क्या हुआ, फॉस्फरस ट्राईऑक्साइड को अगर हम 44 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ P4O8. ठीक है, P4O8, अब P4O8 को अगर मैं वाटर में ट्रीट करूं तो क्या बना रहा है, H3PO3 एंड H3PO4. इट इज़ फॉस्फोरस एसिड, इट इज़ फॉस्फोरिक एसिड. तो हम क्या बोलेंगे, P4O8 इज़ मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड. अगर आपने नाइट्रोजन वाली वीडियोस ढंग से देखी हैं तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ कॉल्ड एज मिक्सड एनहाइड्राइड. अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से वाटर को रिमूव कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, P4O8. अब मैं पीछे की तरफ चलती हूँ, तो P4O8 कैसे बना, एनहाइड्राइड मतलब वाटर रिमूव किया गया, किससे, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड दोनों से. जो P4O3 था, P4O3 वॉज एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड, P4O8 इट इज़ एनहाइड्राइड ऑफ बोथ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड. नेक्स्ट इज़ द P4O10, इट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरस पेंटोक्साइड. ये थर्ड टाइप का ऑक्साइड है फॉस्फोरस का. अब किसका डाइमर है ये, P2O5 का डाइमर है ये P4O10. हीट कैसे करेंगे, वाइट फॉस्फोरस ले लेंगे, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम एक्सेस ऑफ एयर लगा देंगे, अब क्या बन जाएगा, P4O10. बहुत ईजी है, जब हमने फर्स्ट ऑक्साइड पढ़ा था तो उसको वाइट फॉस्फोरस हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट कर रहे थे, इसको बीच वाले को हम किससे कर रहे थे, ऊपर वाले से P4O6 से ही बना रहे थे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन एक्सेस ऑफ एयर में हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, P4O10. अब कैसा है, इट इज़ स्नोई, बर्फ़ की तरह स्नोई वाइट सॉलिड, और फॉस्फोरोसेंस शो करता है. फॉस्फोरोसेंस क्या होता है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को अंधेरे में देखें कुछ टाइम बाद, ये लाइट मतलब आपको शाइनिंग दिखेगा, ये जैसे वो जुगनू होता है शाइनिंग, वैसा ये दिखेगा आपको शाइनिंग. तो इस प्रोसेस बोलते हैं फॉस्फोरोसेंस, अंधेरे में ये जलने ग्लो करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरोसेंस. तो इट इज़ फॉस्फोरोसेंस. अब अगेन P2O5 को अगर मैं वाटर में डालती हूँ तो अल्टीमेटली पहले तो बनेगा HPO3, लेकिन अल्टीमेटली क्या बन रहा है, H3PO4. तो हम क्या बोलेंगे, P2O5 किसका एनहाइड्राइड है,
H3PO4, H3PO4 क्या है, इट इज़ फॉस्फोरिक एसिड. तो फॉस्फोर P2O5 इट इज़ एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक. पहले वाला किसका एनहाइड्राइड था, फॉस्फोरिक एसिड का, सेकंड वाला था दोनों का, फॉस्फोरिक का भी और फॉस्फोरस का भी, और तीसरे वाला किसका एनहाइड्राइड है, फॉस्फोरिक का. इज इट क्लियर. एंड इट इज़ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेट एजेंट क्या होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल से हमें ऑक्सीजन रिमूव करनी है तो, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, वाटर रिमूव करना है तो हम इसको उस मॉलिक्यूल में रख देंगे. जैसे आपने देखा होगा कपड़ों में सिलिका जेल मिलता है, तो सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है उन कपड़ों से, शूज़ में से, जो भी आप चीज़ें कंप्यूटर बॉक्स में आप क्या रखते हैं, सिलिका जेल के छोटे छोटे पैकेट रखते हैं. वैसे अगर आप P4O10 के पैकेट्स रख दें तो वो भी वहाँ से क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो दिस इट इज़ कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग. हाइड्रेटिंग मतलब वाटर, डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर को रिमूव करने का एजेंट है ये, ठीक है. अब एक और चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर आते हैं एग्जाम में, स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, P4O8 एंड P4O10. अब फॉस्फरस, नाइट्रोजन, जब हम पीरियोडिक टेबल देखें तो नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फरस, ठीक है. नाइट्रोजन इज NS2NP3, फॉस्फरस इज 3S2 3P3. तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, 3+2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोशल में. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ध्यान से देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में. अच्छा इसको छोड़ो, पहले हम देखेंगे कि देयर आर कितने ऑक्सीजन फॉस्फरस हैं, 4. हर एक फॉस्फरस एटम टेट्राहेड्रल के कॉर्नर में है. टेट्राहेड्रल समझते हैं ना, टेट्राहेड्रल जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं टेट्राहेड्रल. तो हर एक फॉस्फोरस एटम कहाँ प्रेजेंट है, एट द कॉर्नर ऑफ अ टेट्राहेड्रन. टेट्राहेड्रन के कॉर्नर में प्रेजेंट है हर एक फॉस्फोरस एटम, ठीक है, दिख गया आपको. अब क्या करेंगे, मैंने कहा था कि फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है. 5 इलेक्ट्रॉन्स से 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएगा. जैसे इस फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे, एक ऑक्सीजन आ गया आपके पास यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा इसका, एक ऑक्सीजन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है. एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन आ जाएगी ऐसे इसके साथ, और एक आ जाएगी ऐसे. ये है इसका स्ट्रक्चर. आपने फॉस्फोरस बना दिए कॉर्नर्स पे, हर एक पे क्या बना दिया, एक एक ऑक्सीजन एटम बना दिया, और बीच में आ गया आपके पास ब्रिजिंग ऑक्सीजन जो इनको क्या कर रही है, सामने सामने वाले को शो कर, ठीक है. अब मैंने कहा था आपको ये जो डॉटेड है ये बॉन्ड्स नहीं है, ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर है जो टेट्राहेड्रल मैंने शो किया था. बॉन्ड्स ये हैं, ये वाले जो सॉलिड वाले शो किए, ठीक है. अब फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स. 5 इलेक्ट्रॉन्स से 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हो गए, एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ और तीसरे ऑक्सीजन के साथ. तो हर एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो आप देखोगे हर एक फॉस्फरस 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. बची कितने इलेक्ट्रॉन, 3 तो यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए. तो हर एक फॉस्फरस के पास क्या हो जाएगा, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. हर एक फॉस्फरस के पास 1 1 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये किसका स्ट्रक्चर है, कितने फॉस्फरस हो गए, P4O, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, ठीक है. नेक्स्ट वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ P4O8. P4O8 का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसा होगा. हम क्या बनाएंगे, फॉस्फरस बनाएंगे एट द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन. इसको हम शो कर देंगे, मान लो ये टेट्राहेड्रन है, दिस इज अ टेट्राहेड्रन. फिर क्या करेंगे, हर एक फॉस्फरस और ऑक्सीजन के बीच, फॉस्फरस फॉस्फरस के बीच में क्या लगा दिए हम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन, ठीक है. फिर बीच में 2 ब्रिज्ड ऑक्सीजन. अब ये क्या बन गया, P4O6 बन गया, लेकिन हर एक फॉस्फरस के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर. लेकिन हमें P4O6 तो बन गया, 2 ऑक्सीजन और बनानी है. तो 2 ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे, एक फॉस्फरस के साथ ऑक्सीजन, मतलब ये एरो है, एरो का मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है ऑक्सीजन को. दूसरे फॉस्फरस के साथ भी क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O8. अगर आप काउंट करेंगे तो 4 फॉस्फोरस हैं और 8 के आगे ऑक्सीजन. और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑफ P4O10 का स्ट्रक्चर, P4O10 फॉस्फोरस पेंटोक्साइड का स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बन गया, लेकिन P4O8 के पास 2 ऑक्सीजन और बढ़ गए. 2 ऑक्सीजन कैसे बढ़ा देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. मेरा पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको. P4O8 और P4O10, ठीक है. तो दिस नाउ दिस विल द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, P4O6 एंड P4O8. दिस इज ऑल अबाउट द
ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फरस. ठीक है, थैंक यू.